तुलसीदास जी सभी साथियों को प्रणाम। आज हम यात्रा के दौरान नर्मदा जी के तट पर महाराज श्री महायोगी बर्फानी बाबा के दिगंबर गंगा भारती बर्फानी बाबा कुटी पर पहुंचे हैं और बड़ा ही आनंद आया। और दर्शन करो सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के, जो कि बद्रीनाथ में करीब 60 वर्ष तक वहां तपश्चर्या में रहे, उसके बाद जो है माँ नर्मदा के प्रति इनकी आत्मा में एक भाव पैदा हुआ और अब इन्होंने आके माँ नर्मदा के तट पर एक कुटिया बनाई है, जो कि संत लोग जो माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए आते हैं उनकी सेवा भाव के लिए इन्होंने यहाँ पे स्थान बनाया है। और ये जो है महाराज श्री का बहुत पुराना फोटो, जिस टाइम ये बद्रीनाथ थे तब का एक फोटो है। और ये आश्रम बिमलेश्वर महादेव के नजदीक है। ये मंदिर हनुमान जी विराजमान है और बहुत ही दिव्य स्थान बाबा बर्फानी की बहुत ही सुंदर कुटी आज यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हैं। साथ में सभी मेरे भगवत प्रेमी आए हैं। रहीम खान खाना है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि महाराज श्री को हरिओम बोलो। हरिओम 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 नारायण नारायण। और महाराज श्री ने यहाँ भी बगीची लगा दी है, क्योंकि हर वो कागज करके का निवास ये देखो महाराज श्री ने कितना बड़ा बाग नर्मदा जी के तट पर मेरे साथ हो इधर फिर इधर जाएंगे और नहीं पहले इधर चलो नजदीक है। ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष महाराज श्री ने लगवाए हैं, जहाँ पर बैठ के आप ध्यान साधना कर सकते हो। ये बहुत ही विचित्र माया, ये हमारे विकास भाई जो कि इस सुंदर से वन में हरिओम जी विचरण कर रहे हैं। बोलते रहो तब सतली बारे में बोलिए ना। हाँ, ये जो स्थान है ये नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में है, विमलेश्वर महादेव जो कि बहुत ही पुराना शिव का धाम है। कवि दंती तो है ही, लेकिन ये हकीकत है, नर्मदा जी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। तो बताते हैं अभी भी हर 12 किलोमीटर के अंदर इस परिक्रमा मार्ग में भगवान शिव के स्थान है, जहां पर संत लोग रहते थे, परिक्रमा में जो चलते थे उनकी सेवा होती थी। तो सिद्ध स्थान है, हर 12 किलोमीटर पर आपको भगवान शिव के स्थान मिलेंगे। और ऐसा ही स्थान विमलेश्वर महादेव है, जहां पर बाबा बर्फानी का ये कुटी है और यहाँ पे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर बाग लगाया है। ये देखिए केले भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर
बांस ही पौधे। ये बांस देखिए, तरह तरह के पेड़, कम से कम 6000 पेड़ महाराज श्री ने लगाए। और नर्मदा जी का तो अवलोकन हो ही रहा होगा आप लोगों को, और बाबा बर्फानी के आपको फिर दोबारा दर्शन करवाएंगे। बहुत ही हाँ, ये किसी दूसरे संत की कुटी है, और संत तो यहाँ निवास करते ही हैं। नर्मदा जी जो है तपश्चर्या देती है, गंगा भक्ति देती है, और यहाँ तप मिलता है, तप और तेज बल सभी कुछ प्राप्त होता है माँ नर्मदा के तट पर। नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से, जिसको भगवान शिव की पुत्री के रूप में जाना जाता है, और विश्व में एक ही मात्र नदी पवित्र नदी है जिसकी परिक्रमा लगती है, और परिक्रमा लगाने का बहुत महत्व है। साधु जो है, जिसने अपने शरीर को साध लिया वो ही साधु है, और जो परिक्रमा मार्ग में चलता है वो अपने सभी जितने भी दोष इस शरीर में उत्पन्न है सभी का त्याग करके माँ नर्मदा के चरणों में अर्पित होके वो इस संसार सागर में एक तपश्चर्या के द्वारा अपने इस जीवन के सफर को पूरा करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा पूर्ण सत्य है, संतों से सुना है, शास्त्रों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। और इससे वो कहते हैं कि भाई पता नहीं किसके भाग से, और ये आप लोगों को विकास भाई बताएंगे। विकास भाई हरिओम जी, आप थोड़ा सा बताइए ये स्थान कितना कितना घोर जंगल के अंदर है। ये प्रारब्ध ही था मेरा और विकास भाई का कि इसके भाग से इस स्थान को मैं भी देखने के लिए इधर आ गया। अकेले की तो हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ पे आने की, और इतना दिव्य स्थान है, बहुत घनघोर जंगल के अंदर है, आबादी से काफी दूर है। और ये देखिए अभी बर्फानी बाबा जी आ रहे हैं, सभी सभी हरिओम बोलो। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बहुत ही सेवानिष्ठ और तपोनिष्ठ, 60 साल तक जो बर्फ में बद्रीनाथ लगातार रहे, जहां पर चिड़िया भी नहीं आती। अभी बर्फानी बाबा के विचार सुनिए, बता रहे हैं इस पेड़ पौधों के बारे में जो लगाए हैं बाबा बर्फानी। ये लेमन ग्रास लगी हुई सारी। हाँ, तो महाराज श्री बद्रीनाथ कितने समय तक रहे आप? 60 साल तपश्चर्या की, और अब यहाँ संत सेवा के लिए माँ नर्मदा के तट पर है। बहुत ही सरल अड्डे है। कल शाम को भोजन करवाते वक्त जैसे एक चाव उमंग होता है बच्चे को, बच्चे जैसा स्वभाव, भाग भाग के खुद ही ये खाओ वो खाओ ये करो, अरे इतना भाव परमात्मा। ऐसा संत के दर्शन हुए। और विकास भाई हरिओम बोलो। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम बोलो बड़े भाई। जय शिव, जय शिव। गुरु जी की दया है जी। जय शिव, जय शिव, जय शिव। बहुत ही दिव्य दर्शन, नमन करो सभी अपने हृदय से। दर्शन मात्र से कल्याण है बाबा बर्फानी के, दर्शन मात्र से। जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय शिव। अभी आप लोगों से विकास भाई कह रहे हैं महाराज श्री को कि मुझे इतने प्यारे लग रहे हो कि मैं आपको अपनी गोदी में ही रखूं। ये विकास भाई का प्रेम संतों के प्रति। और केला आने लग गया। हाँ, केला भी आने लग गया, देख के आए महाराज श्री। हाँ हाँ, केला। और राजस्थान का जी महाराज श्री, राजस्थान का मेवा। जी जी, राजस्थान का मेवा। और ये जो है वो बारिश में गल गया था। ये हमारे भाई मनोज पटेल जिन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई,
और संतों के साथ इनका मिलन और उनकी सेवा अद्वितीय है। 60 गोधन भाई पटेल के पास है अभी भी, और कह रहे 108 गोधन करूंगा। तो इतना गौ सेवा के प्रति और संतों के प्रति इनका भाव और इन्हीं के प्रेम और उसका प्यार का नतीजा था कि आज हम दर्शन इस जगह के कर रहे हैं। और इतने सरल हृदय है पटेल भाई, सभी संतों से इनका मिलन और इनका प्रेम अगाध है, जो यहाँ आने पर हमें पता चला। भाई हमें मिले थे पटेल भाई मेरे गुरुजी के आश्रम में, और वहां से इतना प्रेम भाई के दिल में हमारे प्रति और हमारा भाई के प्रति रहा। अभी ये केले, अच्छा महाराज श्री काजू का वृक्ष कहाँ है? काजू का ये बादाम का है। हाँ ये अच्छा, ये काजू का वृक्ष है जो महाराज श्री दिखा रहे हैं। काजू लगाए हैं, जब बड़े बड़े हो जाएंगे जब आएंगे। और ये बादाम का है, ये बादाम का वृक्ष है। ये है जी बादाम का। हाँ ये बादाम का है। ये है जी। ये विकास भाई दिखा रहे हैं बड़े खुश होके, क्योंकि माँ नर्मदा के तट पे बादाम का पेड़ है। बादाम का पेड़, काजू का पेड़ है। और गुरु जी खड़े काजू के पेड़ के साथ देखो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई महाराज श्री के साथ। अशोक, हाँ ये अशोक के। आओ महाराज श्री, जय शिव जय शिव जय शिव। और आइयो महाराज श्री की, वैसे तो महाराज श्री अंदाजा बताते हैं 100 साल से तो ऊपर ही होगी, क्योंकि महाराज श्री INA में भी रहे, सुभाष चंद्र बोस की फौज में सक्रिय सदस्य रहे हैं, और महाराज श्री को विशेष पेंशन भी मिलती थी फ्रीडम फाइटर की, लेकिन महाराज श्री ने उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दान दे दिया है। महाराज श्री ने कहा कि भाई जरूरतमंद जो हो उसको दे दो, पेंशन मिलती थी महाराज श्री को, और पेंशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दिया। तो फ्रीडम फाइटर भी रहे, जब देश आजाद हुआ तो महाराज श्री बताते हैं मेरी उम्र करीब 20-21 साल रही होगी, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि महाराज श्री 100 साल के करीब इनकी आयु है। लेकिन भगवत कृपा दृष्टि से बहुत स्वस्थ है, और भगवान और माँ नर्मदा से प्रार्थना करेंगे महाराज श्री का स्वस्थ है उत्तम रहे, जो कि हमें इनका दर्शन लाभ और इनका सानिध्य जीवन में मिलता रहे, और इनका प्रेम भाव हमारे प्रति रहे, इनका आशीर्वाद रहे हमारे साथ। ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से, शंभु भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ये क्या है महाराज श्री? कलमी आम है। कलमी आम महाराज श्री दिखा रहे। ये पारिजात भगवान के लिए है, घुटने का मर्दर्द के लिए। हाँ लेकिन भगवान शिव पे तो नहीं चढ़ते ना? ना पारिजात ना। प्रभु आप पाइए, नाम ने ले लिया। ना 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 नाम ले लिया। तो अभी आपने ये मनोज भाई पटेल, ये दीपक, हरिओम बोल भाई, सभी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम। जय भोलेनाथ, जय शंभु, जय शंभु, जय शंभु। सभी से विदा लेते हैं। जय शंभु।